तो हे फ्रेंड्स, अगर जो आप ऑनलाइन गेम खेल के पैसे कमाने के शौकीन हैं तो फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी तो हैगो ऐप का नाम तो सुना ही होगा या एक बार यूज तो किया ही होगा, क्योंकि इंडिया में उसे 50 मिलियन लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में बात करेंगे, ये आपके मन में डाउट ज़रूर आता होगा कि हैगो ऐप आखिर किस देश का ऐप है, मतलब किस कंट्री का ऐप है हैगो ऐप। तो फ्रेंड्स हम इसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो बनेगा अंत तक और फ्रेंड्स यहाँ पर सारा डाउट आपका क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं दिखा दूँ दोस्तों प्रूफ के साथ कि किस कंट्री का ऐप है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, हैगो इज़ ए लिटिल कैनाउ चाइनीज सोशल गेमिंग ऐप दैट्स क्विकली ग्रोइंग इन इंडिया। इट्स ऑलरेडी हैज़ ओवर 15 मिलियन डाउनलोडर एज पर सेंसर टावर डाटा। इंडोनेशिया इट्स ए बिगेस्ट मार्केट फॉलोड बाय इंडिया वेयर 14% ऑफ इट्स यूजर कम फ्रॉम द ऐप मार्केट्स बेस्ड इन बीजिंग हैव स्टार्टेड पब्लिश द गेम इज इंडिया रिसेंटली। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पब्लिश हुआ है जल्दी January 31, 2019 में, और यहाँ पर देख सकते हो 50 मिलियन इसके इंडिया में डाउनलोडर हो चुके हैं, सॉरी 100 मिलियन पूरा मिला के हो चुके हैं, और इंडिया में 50 मिलियन इसे लोग डाउनलोड कर चुके हैं, 50 मिलियन अलग कंट्री के। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ऊपर लिखा है हैगो इज़ ए लिटिल कैनाउ चाइनीज सोशल मीडिया गेमिंग ऐप, यह एक चाइनीज ऐप है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर और नीचे आप देख सकते हो बिगेस्ट मार्केट फॉलोड बाय इंडिया 14%, इसका मार्केट का 14% है दोस्तों वह इंडिया का है। इस गेम ने 14% इंडिया में अपना पकड़ बना रखा है। तो आई होप क्या यह डाउट क्लियर हो गया आपका कि हैगो ऐप एक चाइनीज ऐप है। जैसा कि आपने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया जिसमें हैगो ऐप भी था। तो फ्रेंड्स इसे अगर जो आप आपके फ़ोन में यह ऐप है तो प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है, इसमें आपके डाटा चोरी होने की भी संभावना हो सकती है। तो प्लीज़ इन ऐप को डिलीट कर दीजिए, और कोई भी ऐप पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बन जाएगी। और फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वीडियो आप देखकर आनंद ले सकते हैं और आप बच सकते हैं डाटा लीक होने से ऐसे ही चाइनीज ऐप से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।